वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले है राइटिंग वर्ड्स। राइटिंग वर्ड्स में अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है जैसे 4, 3, 6, 5, 9, इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखते वक्त क्या करना है, अपने पीछे से नंबर्स को काउंट करना शुरू करना है इन अ इंडेक्स टेबल। और जैसे भी टेबल लिखेंगे तो इट इज 1s, 10s, 100, 1000 and 10000। ठीक, तो हमने यहाँ पर कॉमास लगाने, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले 1, 2, 3 के बाद कॉमा लग जाता है। ठीक है, फिर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। ये कितना है, 43। हम लिखेंगे 43। कौन से इसमें है बेटा, ये इसमें बॉक्स में 1000, तो 43000। उसके बाद ये एक साथ क्या है, 100 पे क्या है, 6, 600, 10, 59। ठीक, एक दो और कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले राइटिंग वर्ड्स में नंबर 4, 3, 6, 4, 9 एक टेबल होता है, उस टेबल में ये होता है वंस, ये टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, उसके बाद लाख। ठीक, और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम करते हैं पहले 3 अमाउंट पीछे से लेकर कॉमा लगाएंगे। ठीक, अब जो फर्स्ट अमाउंट है वो वंस की है, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10000। अब यहां हमने कॉमा लगाया तो ये पूरा पढ़ना एक साथ, ये कितना है, 43। कौन से बॉक्स में आ रहा है, 1000 बॉक्स, तो 1000। ठीक, 43000। उसके बाद 100 वाले बॉक्स में क्या है, 6, तो क्या लिखेंगे, 600। अब ये दोनों एक साथ पढ़ना, ये कितना है, 49। तो अगर आप जब भी वर्ड्स में लिखना, अगर आप उसके ऊपर उनके प्लेस वैल्यू लिख लेंगे क्या है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट 4, 3, 0, 0, 5, 4, 3, 3, 4, 0, 0, 5। अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे 1s, 100, 1000 and 10000, तो ये कॉमा यूज करेंगे। सबसे पहले ये कितना है, 34, यहाँ लिखेंगे 34 क्या है बेटा, 1000, 34 क्या है, 1000। उसके बाद 100 की जगह पे देखो 0 है, तो यहां हम 100 मेंशन नहीं करेंगे। और फिर ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो ये कितना पढ़ा जाता है बेटा, 0, 5 ही पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, 5, तो 34,005, ये हमारा आंसर। ठीक है, दिस इज राइटिंग वर्ड्स। अब राइटिंग नंबर्स क्या है, राइटिंग नंबर्स जैसे 65,000, 465। ठीक, अब पहले तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1s, 100, 1000, 10000, तो क्या है, 65, ये 1000 वाले बॉक्स में आके, उसके बाद कितने 100 है, 400, तो 400, उसके बाद क्या है, 60। ठीक, एक और कर लेते हैं,
71,000 200. अब वही वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड. ठीक, सबसे पहले क्या है 71, क्या है थाउजेंड, तो 71 ये थाउजेंड वाली इसमें आ गया. हंड्रेड कितना है 2, और उसके बाद यहां ना टेंस है ना वंस है, तो वहां पर क्या आ जाएगा 0. तो 71,002. ठीक, 71,062. फिर वही लिखना वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड. तो 61,000 है, तो 61,000. हंड्रेड, यहाँ पर हंड्रेड है कहीं पर? नो, जो अमाउंट डी नहीं है वहां पर हम क्या लिखेंगे 0. और यहाँ पर 62 है तो 71,062. ठीक, अब यहाँ 62 भी नहीं है, सिर्फ 2 है, 71,002. तो 0 टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड. तो 71 है, तो 71, 100 की जगह पर कुछ है? नो. अब उसके बाद सिर्फ 2 है, तो टेंस की जगह पर भी कुछ नहीं है वहां भी. अब तो अगर यहां लिखोगे तो ये टेंस नहीं होगा, ये 2 नहीं है, ये क्या है 2 नहीं है, 100 की जगह पे टेंस की जगह पे है, दैट मीन्स इसके नीचे यहाँ 0 आएगा, तो ये 20 हो जाएगा, ये 2 नहीं रहेगा. इसलिए दिस इज रॉन्ग मेथड. अगर 2 है तो 0 2. ठीक, ओके, समझ में आ गया. इसके बाद हम करेंगे सक्सेसर एंड प्रीडिसर. व्हाट इज सक्सेसर एंड व्हाट इज प्रीडिसर? सक्सेसर एंड सक्सेसर यानी के आगे जाना, प्रीडिसर यानी पीछे. ठीक, जैसे 1 0 0 0 इसका आपने सक्सेसर लिखना है, तो क्या करोगे आप प्लस 1, ये हो जाएगा 1 0 0 1. ठीक, और यही इसका प्रीडिसर लिखना है तो माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0 1 9 9 10. 10 में से 1 गया, 9 9 9. इट इज वेरी मच सिंपल. सक्सेसर है तो प्लस 1 करना, प्रीडिसर है तो माइनस 1. ये हमेशा याद रखना, अगर आप ऐसे करोगे तो कभी आपका सम रॉन्ग नहीं होगा. हमेशा ये याद रखना, सक्सेसर मींस आगे बढ़ना, प्रीडिसर यानी पीछे जाना. पीछे जाना तो एक नंबर पीछे जाना और इसका एक नंबर आगे जाना. ठीक, अब देखो यहाँ पर सक्सेसर 9 9 9 का सक्सेसर लिखना है आपने, तो प्लस 1, 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी, 9 प्लस 1 10. और इसी का प्रीडिसर है तो माइनस 1, 9 माइनस 1 8 9 9. अमाउंट सेम है. यहां पर क्या हो गया, अगर आपको पूछा जाए सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 9 9 9, और इसका आंसर आ जाएगा 1000. ठीक है, नेक्स्ट. राइट 5 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड smallest number using digit seven six five eight four. इस नंबर
जोड़कर आपने क्या करना है, राइट फाइव डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नंबर। अब सबसे बड़ा नंबर लिखना है तो इसमें से जो सबसे बड़ी अमाउंट है वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी इसको हम किसमें लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ सबसे बड़ी अमाउंट क्या है, 8, उसके बाद 7, 6, 5, 4। और एक बात याद रखनी है बेटा, जब भी आपने ये नंबर लिखने हैं, फाइव डिजिट नंबर आपको कहा गया है, तो यहाँ पर मैंने कॉमास डाले हैं, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग नंबर है, पर यहाँ पर आप कॉमा नहीं डालोगे। अगर आप यहाँ पर ये कॉमास इस तरह डाल दोगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। यू कैन नॉट पुट कॉमास, तो आपने यहाँ कॉमास नहीं लिखना, ये हमेशा याद रखना। अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो पहले सबसे बड़ी अमाउंट, फिर उससे छोटी अमाउंट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। और अगर स्मॉलेस्ट लिखना है तो पहले सबसे छोटी अमाउंट, फिर उससे बड़ी अमाउंट, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी अमाउंट। तो इस तरह आप एक नंबर जो आपको दिए गए हैं उससे एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हो, ठीक है। अगेन 5, 0, 6, 9, 1। अब इसमें एक थोड़ी सी है कि इसमें जीरो दिया और आपको फाइव डिजिट नंबर का, यहां पर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना इजी है एंड स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है आपने। ग्रेटेस्ट के लिए तो पहले सबसे बड़ी अमाउंट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। यहां पर हम जीरो सबसे छोटा है, हम जीरो सबसे पहले 1, 5, 6, 9 अगर ऐसे अमाउंट लिखते हैं तो ये हमारी अमाउंट गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ फाइव डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कहा, यहां पर अगर हम जीरो आगे लगा देते इट डजंट हैव अ वैल्यू और ये सिर्फ चार डिजिट नंबर रह जाता है, तो यहां पर ये हमारा सम गलत हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे छोटी अमाउंट है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद जीरो लगाएंगे। यहाँ पर ऐसे 1, 0, 5, 6, 9 अब देखो ये फाइव डिजिट नंबर हो गया। अगर जीरो आ गया है तो जीरो डजंट हैव एनी वैल्यू। अगर हम देखो एक के पीछे जीरो लगाते हैं तो वो 10 बन जाता है, लेकिन अगर एक के आगे जीरो लगाएंगे इट इज रिमेन ओनली 1, वो एक ही रहता है। इसलिए अगर हम आगे जीरो लगाते हैं तो ये फोर डिजिट नंबर रह जाता है, जो कि रॉन्ग है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, राइट फाइव डिजिट नंबर। तो फाइव डिजिट नंबर लिखने के लिए हम 1 आगे लिखेंगे और फिर उसके पीछे 0। ये बात हमेशा याद रखनी है बेटा, क्योंकि 0 की वैल्यू अगर देखो 1 के आगे लगाएंगे तो इट विल रिमेन 1, पर 1 के पीछे लगा दिया तो इट बिकम्स 10। समझ आ गया आपको, यहाँ पर भी सेम है, अगर आप आगे जीरो लगाते हो तो ये फोर डिजिट नंबर रह जाता है और 1 के पीछे लगाते हो तो ये फाइव डिजिट नंबर बन जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।